उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबोहवा के बीच बने होमस्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में महाराणा प्रताप के नाम पर खोला जाएगा खेल विश्वविद्यालय। खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा, क्षेत्रवासियों को दी करोड़ों की सौगात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम धामी ने बागेश्वर से किया संकल्प यात्रा का आगाज, जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कांग्रेस की वीरग्राम प्रणाम यात्रा में जुटेंगे दिग्गज जनरल बिपिन रावत और बीसी जोशी के गांव से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल के नेतृत्व में होगी शुरुआत। और अमृतसर में हुई घटना के बाद प्रशासन अलर्ट, हल्द्वानी में खुद डीआईजी कुमाऊं ने सड़कों पर निकल कर लिया जायजा, पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में महाराणा प्रताप के नाम पर खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में की है। शनिवार शाम खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 268,52,31,000 की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, महाराणा प्रताप प्रशासनिक अकेडमी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को भी जनता के समक्ष रखा। आज गढ़वाल क्षेत्र की जो यात्रा है उसका हरिद्वार से शुभारंभ हुआ है, और कल सरयू के तट से भगवान बागनाथ की भूमि से बागेश्वर से कल जो है ये कुमाऊं की यात्रा यहाँ प्रारंभ होगी, और ये दोनों यात्राएं दोनों क्षेत्रों में सभी विधानसभाओं में जाएंगी। और जो माननीय मोदी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा जो बहुत सारे काम, चाहे वो आज नेशनल हाईवे के क्षेत्र में हो, चाहे चार धाम यात्रा ऑल वेदर रोड हो, चाहे हमारा जो है भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो, रेल लाइन बनने की बात हो, चाहे यहाँ सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में जो भी काम जो है, चाहे हमारे यहाँ पर अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में उन कामों को लोगों के बीच में ले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर से भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश विकास के पथ पर है। वहीं इस जनसभा में उन्होंने अपने भाषण के दौरान 2022 में एक बार फिर से धामी सरकार बनने का भी दावा किया है। आपको बता दें कि शनिवार को बीजेपी ने हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा के पहले चरण का आगाज कर दिया है। कुमाऊं मंडल के लिए आज विजय संकल्प यात्रा के रथों को रवाना किया गया। इन रथों के जरिए भाजपा जनता के बीच सरकार के काम और केंद्रीय योजनाओं को रखेगी।
कांग्रेस आज प्रदेश भर से 3 दिवसीय वीरग्राम प्रणाम यात्रा निकालेगी। इन यात्राओं का शुभारंभ दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के गांव सैन बमरोली गांव और पूर्व सेना अध्यक्ष दिवंगत जनरल बीसी जोशी के गांव दन्या अल्मोड़ा से होगा। इसके साथ ही प्रदेश के उन सभी गांव से भी यात्रा निकाली जाएगी जिन गांव के सैनिकों अर्धसैनिकों पुलिस कर्मियों ने देश और प्रदेश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वीर सैनिकों के सम्मान में निकलने वाली इन यात्राओं में दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के गांव सैण से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सर्द मौसम में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्माया हुआ है। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही तमाम दल अपने चुनावी कार्यक्रमों के लिए एक दूसरे पर शहमात देने की कोशिशों में है। बीजेपी जहां पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस को इन सभी बात का भरोसा है कि जनता इस बार हाथ को अपना समर्थन देगी। देखिए खास रिपोर्ट। दिसंबर महीने के कड़ाके की सर्दी में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्माया हुआ है। बीजेपी कांग्रेस ने 2022 के बिसात के लिए अपनी चुनावी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी की चुनावी जनसभाओं में केंद्रीय नेता लगातार उत्तराखंड में डेरा जमाने आ रहे हैं तो पार्टी खुद को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिशों में भी जुटी है। इसीलिए पार्टी की तरफ से 4 श्रेणी में बूथों को विभाजित किया गया है ताकि पार्टी जड़ से मजबूत होकर चुनावी लड़ाई लड़े। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2022 की बिसात में बीजेपी की जीत का डंका बजेगा और कांग्रेस अपने अहम को लेकर ही डूब जाएगी। आज कांग्रेस का यही अहंकार उनको लेकर डूब गया है। आज देश की राजनीति के परिदृश्य से आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो गए। ये जो अहंकार है कांग्रेस को, ये अहंकार ही कांग्रेस को लेकर डूबेगा। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीतियों के साथ मैदान में डटी है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यह ऐलान कर चुके हैं कि 19 दिसंबर से कांग्रेस भाजपा के ढोल की पोल कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में बीजेपी के कारनामों को जनता के बीच लेकर जाएगी। मैं शुरुआती तौर पर खुद भी साथ भाजपाई ढोल की पोल खोल भाजपाई ढोल की पोल खोल सभाएं करूंगा, बड़ी सभाएं करूंगा और हमारे दूसरे नेतागण भी उन सब का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। सर्द मौसम में गर्माई राजनीतिक लड़ाई में एक दूसरे के कारनामों को जनता के बीच रखा जा रहा है लेकिन जनता इस बात को बखूबी समझती है कि 2022 की बिसात में राज्य के विकास के लिए किस पार्टी को चुनना है और जनता का फैसला ही तय करेगा कि किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव करीब आते ही चुनाव की तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। नैनीताल 58 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एसडीएम प्रतीक जैन ने तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सभी बीएलओ को वोटर लिस्ट का बारीकी से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम प्रतीक जैन ने कहा कि चुनावी तैयारियों पर काम चल रहा है और 58 विधानसभा नैनीताल के अंतर्गत सहायक निर्वाचन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। तो आज यहाँ पे मैं 58 जो विधानसभा है उसका, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, सीओ साहब भी साथ में हैं क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक आ गए हैं, कभी भी हो सकता है इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएं, तो हमारी तैयारी एकदम सक्रिय रूप से चल रही है अब और सभी बूथ पे हमने बीएलओस को भी एक्टिवेट कर रखा है 1 दिसंबर तक, क्योंकि जो वोटर लिस्ट में ऐड होने थे फॉर्म 6 फॉर्म 7 फॉर्म 8 ये भी हमारे द्वारा भरवाए गए। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के बीच प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। हल्द्वानी में डीआईजी कुमाऊं ने खुद रात में सड़कों पर निकलकर जायजा लिया। सड़कों पर निकले डीआईजी कुमाऊं ने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों में उनका हालचाल भी जाना और अमृतसर में हुई घटना के बाद सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अमृतसर में गुरु गोविंद साहब की बेअदबी किए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीआईजी ने पुलिस को मुस्तैद रहने के साथ सोशल मीडिया पर पूरी तरह से नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं।
ये अमृतसर की जो घटना है ये बेहद गंभीर संवेदनशील घटना है। इसको जो है पुलिस उधम सिंह नगर की खासकर तराई रीजन में जो है पूर्ण अलर्टनेस के जो है सख्त निर्देश दिए गए। सारे SO इंस्पेक्टर और जो स्वयं मैं भी रात में जो है गश्त पे हूँ यहाँ पर हल्द्वानी में, और कुछ पोस्ट जो है कुछ वायरल जो हुई है इसमें हमारे सोशल मीडिया सेल भी पूरी तरह एक्टिवेट है और हम पूरी तरह घटनाओं पे जो है वो नज़र रखते हुए और सभी से जो है वो शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। सर्दी का सितम मैदानों से पहाड़ों तक नजर आने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड से छुटकारा नहीं मिलेगा। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। देखिए खास रिपोर्ट। दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड से प्रदेश ठिठ उठ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में आने वाले दिनों में सर्दी का सितम लोगों को और ज्यादा सताएगा। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में चल रही शीतलहर के चलते लोगों की कपकपी छूट रही है। 2022 की बिसात में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सियासी दल जनता के बीच जाकर बड़े बड़े दावों का दम भर रहे हैं, लेकिन जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। हालांकि महंगाई को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर लगातार सियासी वार कर रही है, लेकिन महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। रुद्रपुर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनावी मौसम में सियासी दल जनता को बड़े बड़े दावे और वादों की उम्मीदें उनके दिलों में जगा रहे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों और जनसभाओं से इतर लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। महंगाई के इस दौर में 900 रुपए पहुंच चुके सिलेंडर के दाम और आसमान छूते सब्जियों के दामों ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। दिनों दिन बढ़ रही महंगाई से महिलाएं खासा आक्रोशित हैं। गैस का बहुत महंगाई बढ़ गया है और सब्जी भी बहुत महंगा है और हम लोग बहुत परेशानी है। बाजार में सब कुछ ही महंगा मिल रहा है तो हम मजदूरी करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। सरकार को कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें बहुत परेशानी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्यम वर्ग ही बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान है, बल्कि कारोबार करने वालों के लिए भी महंगाई आड़े आ रही है। व्यापारियों का ये कहना है कि जल्द ही महंगाई को लेकर कोई हल निकाला जाना चाहिए। आज मार्केट में हर चीज महंगा है, हर चीज महंगा हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। फुटकर महंगाई ज्यादा बढ़ गया है, लोग आक्रोश में हैं, इसमें इलेक्शन में प्रभाव पड़ सकता है। चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन सियासी दलों को जनता की दिक्कतों से भी सरोकार होना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बढ़ती महंगाई ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। ऐसे में जल्द ही कुछ हल नहीं निकाला गया तो यकीनन रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। टाइम टीवी के लिए रुद्रपुर से गौतम सरकार की रिपोर्ट। जिंदगी में मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। अब रुड़की की 6 साल की मासूम को ही ले लो, स्कूल जाने की उम्र में मासूम अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए खतरों से खेलने को मजबूर है। ऐसे में मासूम के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, देखिए खास रिपोर्ट। इंसान की जिंदगी में मजबूरी ही एक ऐसी चीज है जो चाहे करा लेती है। कुछ ऐसी ही कहानी रुड़की की 6 साल की मासूम की भी है, जो खेलने कूदने और स्कूल जाने की उम्र में अपना और परिवार का पेट पालने के लिए रोजाना खतरों से खेल रही है। रस्सी के सहारे खतरनाक करतब दिखाती इस मासूम के कारनामे को देखने आते जाते लोग मदद के तौर पर कुछ पैसे दे जाते हैं। छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड में रोजगार की तलाश में आए परिवार को रोजगार नहीं मिला, जिस कारण मासूम इस खतरनाक खेल को दिखाकर लोगों का दिल जीत रही है। वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले प्रत्यक्षदर्शी भी मासूम बच्ची के इस कारनामे के कायल हैं, लेकिन इस उम्र में बच्ची के लिए मजबूरी बने इस खतरनाक खेल की आलोचना भी कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई भी अपनी खुशी से खुद को आग में नहीं धकेलता है, रोजगार की मजबूरी ही इंसान से ये सब कराती है। लेकिन सवाल ये है कि इस मासूम के साथ अगर कर्तव्य दिखाते वक्त कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। टाइम टीवी के लिए रुड़की से फिरोज की रिपोर्ट।
गदरपुर विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे कांग्रेस यूथ ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर का कहना है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी की रैली से काफी असर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। और इसी मुद्दे पर गदरपुर से हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने सुमित्र भुल्लर से खास बातचीत की है। कांग्रेस यूथ ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी करेंगे चर्चिकल टाइम टीवी में खास बात, क्योंकि भुल्लर जी गदर विधानसभा में प्रबल दावेदारी में भी कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुमित्र भुल्लर है कौन, क्यों टिकट देंगे कांग्रेस इस बार और आम जनता क्यों वोट देंगे, बताइए सर। सुमित्र भुल्लर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। सुमित्र भुल्लर कांग्रेस पार्टी के गांधी और नेहरू के विचार का एक ध्वजवाहक है। उस ध्वज को लेकर के, उस विचार को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और रही बात, आपने कहा प्रत्याशी किसको टिकट क्या टिकट, ये फैसला नेतृत्व का है। नेतृत्व जो उचित समझेगा वो निर्णय लेगा। और पार्टी ने अलग अलग दौर में हमें अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां देने का काम किया है, हम उसको ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करते हैं। आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रदेश भर के युवाओं के जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, जो उनके साथ धोखा हुआ है, उन तमाम चीज़ों को उठाने का काम, उन तमाम मुद्दों को तीव्रता से उठाने का, मजबूती से अपनी युवाओं की बात को आगे रखने का काम यूथ कांग्रेस ने किया है। और मैं समझता हूं कि पार्टी आने वाले समय में भी जिस भी रूप में हमें जो भी जिम्मेदारी देने का काम करेगी, हम उस रूप में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 16 दिसंबर को जो राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो रैली हुई 9 विधानसभा सीटें उधमपुर जिले में, जिसमें से एक ही कांग्रेस के हाथ लगी, बाकी 8 भाजपा की है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी है, कितना असर पड़ेगा राहुल गांधी आने से? राहुल गांधी के आने से असर कितना पड़ेगा, इस बात का ये प्रमाण है कि लोगों में, आपने देखा उस दिन कैसा जोश था, लोग इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और उससे भी दुगनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। पूरा देहरादून शहर जाम हो गया था, जो लोग अलग अलग अपने वाहनों से वहां पहुंच रहे थे वो शाम राहुल जी के वापस जाने तक वहां पर गाड़ियां आती रही। आप इससे ज्यादा प्रमाण इस बात का क्या लेंगे कि राहुल जी को सुनने के लिए प्रदेश का युवा आतुर था। और इस समय प्रदेश की जनता अगर किसी की तरफ उम्मीदों से देख रही है तो वो कांग्रेस पार्टी से देख रही है। और इस रैली से, मैं समझता हूं कि इस रैली से चुनावी शंखनाद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने के कागार पर है। उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए, जमानतें बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उनके पापों का घड़ा जो भर चुका है वो फूटने की दशा में पहुंच चुका है। कुल मिलाकर कांग्रेस यूथ ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी का मानना है कि जो 16 दिसंबर को हाल ही में जो रैली हुई, उस रैली का काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा इसी जिले में, क्योंकि यहाँ पर खासकर 9 विधानसभा सीटें वर्तमान समय में एक ही कांग्रेस के हाथ लगी है और बाकी इस बार इनका मानना है कि 9 का 9 सीट कांग्रेस जीत रही है। अब वास्तविकता देखना कि आम जनता का कितना रुझान होता है कांग्रेस के आने वाले समय के लिए, क्या भुल्लर जी क्षेत्र से जीत पाएंगे तो आने वाले समय बताएगा। चैतिकला टाइम टीवी, गौतम सरकर, उधम सिंह नगर। रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर खनन प्रेमी होने का आरोप लगाते हुए सरकार का पुतला दहन किया है। कांग्रेस नेता सीपी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस का दावा हवा हवाई है। उत्तराखंड सरकार के संरक्षण में अवैध खनन जमकर हो रहा है, जिसकी वजह से राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। जो भाजपा की सरकार खनन से अपना पैसा कमाकर चुनाव में लगाना चाहती है और खनन के ऊपर ही मुख्यमंत्री सारा पूरा कारोबार खनन के ऊपर कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है और खनन प्रेमी के हमने उनकी आंखें खोलने का काम किया है, पुतला दहन करने का काम किया है कि मुख्यमंत्री होश में आओ और खनन प्रेमी का जो आपके ऊपर ठप्पा लगा है उसको दूर करने का काम करो। वही लालकुआ में अवैध खनन और वन उपज के अवैध परिवहन को लेकर वन विभाग सख्त हो गया है। वन विभाग की टीमें लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। बीते एक सप्ताह में अब तक के वन विभाग ने अवैध उपखनिज से लदे 4 ट्रकों को सीज किया है। वन विभाग की इस कार्यवाही से अवैध खनन कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। शासन स्तर से अवैध खनन पर कड़ी रोकथाम के चलते प्रभागी स्तर से भी हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के क्रम में डॉली रेंज के द्वारा कड़ी जो अवैध खनन करने वाले वाहन हैं उन पर कड़ी जांच की जा रही है हर वाहन की। और इसी के क्रम में पिछले हफ्ते एक सप्ताह में डॉली रेंज द्वारा 4 वाहन हाईवा बड़े सीज किए गए हैं। वही सितारगंज में अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही के दौरान 8 ट्रैक्टर ट्रोलियों को सीज किया गया है। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।
कार्रवाई के लिए लगभग शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक चली है और इसमें हमने 8 वाहन हैं उस जो हमने सीज किए हैं और कल 2 वाहन दिन में हमने सीज किए थे। इसमें लगभग 6 वाहनों के पास रॉयल्टी नहीं है और 4 के पास भारी मात्रा में जो है वो RBM भरा है जो कि इसकी कैपेसिटी से लगभग दुगुना है। वही लक्सर में रेलवे ट्रैक अंडरपास के निर्माण का कार्य शुरू न होने से नाराज स्थानीय लोगों ने अब रेल चक्का जाम की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक अंडरपास के निर्माण की मांग एक लंबे समय से चल रही है। स्थानीय लोग अपनी मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और अनशन पर भी बैठ चुके हैं, अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन लोगों को झूठे आश्वासन के सिवा अब तक कुछ नहीं मिला। हमारे छठ पूजा वाले दिन इस अंडरपास के लिए शहीद, हम तो शहीद ही कहेंगे उन्हें, वो बच्चे ना मरते शायद हमारी आगरा खुल की मांग तो कई सालों से हम करते आ रहे हैं लेकिन रेल विभाग ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया और 15 दिन का समय देकर गए थे। 15 दिन का समय देने के बावजूद आज 1 महीना हो चुका, धरातल पर जमीन स्तर पर कहीं से कोई काम दिखाई नहीं दिया। उधम सिंह नगर में ग्रामीणों ने खुद नहर की सफाई का जिम्मा उठाया है। किसानों का कहना है कि नहर में कूड़ा कचरा इकट्ठा होने से नहर ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से गेहूं की फसलों के लिए उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से उन्हीं फसलें भी खराब हो रही है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब ग्रामीणों ने खुद नहर की सफाई का जिम्मा उठाया है। हमारा गेहूं बोए 2 महीने हो गए, गेहूं पीला हो गया और नहर में जो है जड़ से ही पानी नहीं आ रहा, जड़ में ही नहर बंद है। और उसके लिए अगर यहाँ ग्राम सभा के सभापतियों से कहा जाए तो ये कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, और हमने मशीन लगाने के लिए कहा तो कहते हैं भैया पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके द्वारा बताया गया है जो ग्रामीणों के द्वारा सफाई करी जा रही है, ऐसा हमारे पास अभी कोई संज्ञान नहीं आया इस तरीके का, और जो अगर कोई आया तो हम अपने अधिकारियों वो जो कर्मचारी हैं उनको भेज के दिखवा लेंगे। और रही बात सफाई की, तो सफाई का कार्य जो है वो मनरेगा के तहत हर साल कराया जा रहा है, अब वो प्रधान जी के थ्रू होता है काम, जितनी भी नहरें हैं। तो प्रधान जी से आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया था इस नहर के लिए, तो उनके द्वारा जो है कि 1 नंबर 2 नंबर और जितनी उनके क्षेत्र की नहरें हैं उनकी सफाई करा दी गई है। वही रुड़की के मंगलोर कोतवाली में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर एक बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करते रहने का भरोसा जताया है। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का हनन ना हो इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। आज का दिन जो है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो हमारे सरकार की तरफ से ये मुहिम जारी की गई है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं और उनके साथ जो समस्याएं आ रही है उसके निराकरण के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, जन जन तक पहुँचाए ताकि अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहे और वो विकास की मुख्य धारा में हमेशा प्रतिभाग कर सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर हेडलाइंस पर एक नजर। नमस्कार। उत्तराखंड में महाराणा प्रताप के नाम पर खोला जाएगा खेल विश्वविद्यालय। खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा, क्षेत्रवासियों को दी करोड़ों की सौगात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम धामी ने बागेश्वर से किया संकल्प यात्रा का आगाज, जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कांग्रेस की वीरग्राम प्रणाम यात्रा में जुटेंगे दिग्गज जनरल बिपिन रावत और बीसी जोशी के गांव से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में होगी शुरुआत। और अमृतसर में हुई घटना के बाद प्रशासन अलर्ट, हल्द्वानी में खुद डीआईजी कुमाऊं ने सड़कों पर निकल कर लिया जायजा, पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश। ₹2025 में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर वन का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हम। हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है, इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानंद छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, मेरा उत्तराखंड हो नंबर वन।
18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, उत्तराखंड हो नंबर वन। जितना भी समय हमारे पास है उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए, अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।